ग्राम कनकी के ग्रामीणों ने अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 25 सितंबर आज दिन शनिवार को लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी के ग्रामीणों के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं नियमित बिजली देने की मांग की गई है। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष दुर्गा पगरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जी बताएंगे किस संबंध में आज यहाँ ज्ञापन सौंपने आए। क्या है कि बिजली विभाग की अघोषित बिजली कटौती के विरोध में हम लोग आज कलेक्टर साहब एवं बिजली अभियंता जो है उनको ज्ञापन सौंपने आए। किस संबंध में? संबंध यह है कि विगत लगभग 6 माह से कंटिन्यू अघोषित बिजली कटौती और कहना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई किसान सभी लोग लाइट से बहुत परेशान हैं। दूसरी बात ये कि ग्राम पंचायत कनकी में जो हाईवे रोड है तो गर्रा से 24 घंटे अवेलेबल लाइट कर दी गई है, लेकिन हमारी ये मांग है कि पूरी ग्राम पंचायत कनकी को आप 24 घंटे लाइट अवेलेबल कराओ। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है बिजली की? बिजली तो बहुत स्थिति खराब हुई है। अभी जो चांस पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर 24 घंटे बिजली अवेलेबल करा ही सकता है, क्या है कि वहाँ पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उद्योग हैं, उद्योग कनकी में भी है, लेकिन हमारा मतलब है कहने का कि भैया पूरी लाइट 24 घंटे ग्राम पंचायत कनकी के समस्त ग्रामीणों को मिले। इन्होंने क्या काम किया है कि रोड से जो है जितने दुकानदार मालिक रोड पे जो मकान आते हैं उनको 24 घंटे बिजली अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये समस्या का निराकरण अगर 7 दिन के भीतर नहीं होता है तो हम समस्त ग्रामीणजनों के साथ मिलकर छात्र छात्राओं के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन और 7 दिवस के भीतर हमारी मांग पूरी नहीं तो 8वें दिन हम चकाजाम किया जाएगा।